मित्रों, जब भगवान कार्तिकेय पृथ्वी परिक्रमा करके वापस आए थे तब गणेश जी का विवाह हो चुका था। उसके बाद भगवान कार्तिकेय ने क्या किया और वह कहाँ चले गए, इसकी कहानी आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर आप भी ऐसे ही सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। नमस्कार और स्वागत है आपका धर्मश्री विज्ञान पर फिर से एक बार। चलिए दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो को हम शुरू करते हैं। भगवान कार्तिकेय ने पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करके हिमालय पर्वत पर पहुंचे। तब भगवान कार्तिकेय ने सबसे पहले अपने माता पिता के दर्शन किए। उसके बाद कुछ ही समय में उन्हें यह पता चला कि भगवान गणेश जी का विवाह हो चुका था और उन्हें दो पुत्र भी प्राप्त हुए थे। तब भगवान कार्तिकेय बहुत क्रोधित हो गए और उन्हें ऐसे समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान गणेश ने ऐसी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे की। सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए मैंने शुरुआत की और सबसे पहले मैं ही पूरा करके आ गया हूँ, तो फिर आप गणेश जी का विवाह कैसे कर सकते हैं, ऐसा वो बारंबार अपने माता पिता भगवान शंकर और माता पार्वती को पूछ रहे थे। आपने मेरे साथ धोखा किया है, वो बारंबार उन्हें दोषी ठहरा रहे थे। तो भगवान शंकर और माता पार्वती ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तो ब्रह्मा जी बोले, इस समस्या का हल मेरे पास नहीं है, इस समस्या का हल निश्चित रूप से देवर्षि नारद के पास है। तब आप नारद जी को पुकारिए, नारद जी आपके समीप आते ही होंगे। तब भगवान नारद जी उनके पास आ गए। भगवान शंकर ने उन्हें यह कथा सुनाई। तब भगवान नारद जी अपने कार्तिकेय को समझाने के लिए वहां पर पहुंचे। तब भगवान कार्तिकेय किसी के भी सुनने के लिए किसी भी मनस्थिति में नहीं थे, वो इतने नाराज थे। भगवान कार्तिकेय नारद जी से यही बोल रहे थे, मेरे माता पिता ने मेरे साथ कपट किया है, ऐसा किया है। वह हमेशा बारंबार अपने माता पिता को दोषी ठहरा रहे थे। तब भगवान नारद जी बोले, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जो सत्य है उसी को आपको स्वीकारना होगा। इस समय भगवान गणेश जी का विवाह हो गया है, उन्हें प्रजापति ब्रह्मा के अत्यंत दो मनोरथ रत्न पुत्रियाँ प्राप्त हुई है और उन्हें एक एक पुत्र प्राप्त भी हुए हैं। सिद्धि से क्षेम यानी कि शुभ और बुद्धि से लाभ ये नामक सर्वसुखप्रद पुत्र प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार वे दोनों अग्नेश और अपनी पत्नियों के साथ और दो पुत्रों के साथ प्राप्त करके माता पिता के मौत में रहकर निरंतर सुख भोग कर रहे हैं। अपने माता पिता अपने बच्चों के साथ कभी भी बुरा नहीं कर सकते, ना ही कभी उनके साथ बुरा हो ऐसा सोच नहीं सकते, तो तुम्हारे साथ वे ऐसा क्यों करेंगे। जो शास्त्र है, जो नीति है, उसी के आधार पर उन्होंने यह निर्णय लिया है, उन्हें आप दोषी ना ठहराओ तो ये अच्छा है। तब भगवान कार्तिकेय को इतना सब कुछ समझाने के बाद भी वह सुन रहे थे। यह नीति श्रुतियों स्मृतियों और शास्त्रों में सर्वत्र कही गई है, मैंने तुमसे उसे जो भी कहा दिया है, अब तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, ऐसा नारद जी बारंबार भगवान कार्तिकेय को समझा रहे थे। भगवान कार्तिकेय है कि किसी की बात सुनने के मनस्थिति में है ही नहीं थे। तब भगवान कार्तिकेय ने निर्णय लिया कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा और बहुत दूर चला जाऊँगा, ऐसा उन्होंने सोच लिया था। तब भगवान कार्तिकेय ने मौन धारण कर लिया। उसके बाद अपने माता पिता को प्रणाम किया और क्रोध अग्नि से जलते हुए भगवान कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर जाने के लिए तैयारी करने लगे थे। माता पार्वती उन्हें बारंबार मना कर रही थी, पर तुम क्यों जा रहे हो ऐसी पूछ रही थी, किंतु इस प्रकार रोके जाने पर नहीं, ऐसा कहकर वे कुमार चलने लगे। और भगवान कार्तिकेय यह बोले कि मैं अब यहाँ क्षण मात्र भी नहीं रह सकता, क्योंकि आपने मुझ पर प्रीति ने कर ऐसा कपट किया है जो मैं कभी भूल नहीं सकता। तब भगवान कार्तिकेय इतना सब हो जाने के बाद भी क्रौंच पर्वत पर चले गए। यह कहकर भगवान शंकर ऐसा बोले कि भगवान कार्तिकेय का दर्शन मात्र से ही सबका पाप हरने वाला है। कुमार कार्तिकेय वहां चले गए हैं और तभी से आज भी वह वहीं पर स्थित है। उसी दिन से लेकर वे शिवपुत्र कार्तिकेय कुमार ही रह गए हैं। उनका यह नाम तीनों लोक में प्रसिद्ध है। यह शुभदायक, सब पापों में नष्ट करने वाला, पुण्य स्वरूप और ब्रह्मचर्य प्रदान करने वाला है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवता ऋषि मुनि और सभी तीर्थ कुमार के दर्शन के निमित्त जाते हैं। कार्तिक मास में कृत्तिका नक्षत्र पूर्णिमा का तिथि दिन जो कुमार का दर्शन करता है उसके पाप सब भस्म हो जाते हैं, ऐसा
मनोवांछित फल की उन्हें प्राप्ति होती है, ऐसा भगवान शंकर ने उसी वक्त कह दिया था। और भगवान कार्तिकेय का वियोग होने पर कुछ दिन बीत जाने के बाद माता पार्वती अपने भगवान शंकर जी से पूछती है कि अपने पुत्र कार्तिकेय जहाँ भी क्रौंच पर्वत पर गए हैं वहाँ जाने के लिए हमें चलना चाहिए, उनसे उनका हाल चाल पूछना चाहिए, ऐसा वो दुखित मन से दीन होकर शिव जी से कह रही थी। और आप भी मेरे साथ वहाँ चलिए। तब उनको सुखी करने के लिए शंकर जी स्वयं अपने अंश से क्रौंच पर्वत पर चले गए और दोनों ने वहाँ पर मल्लिकार्जुन नामक सुखदायक ज्योतिर्लिंग भी प्रतिष्ठापित किया था। अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला और सज्जनों को शरण देने वाले महादेव और पार्वती आज भी वहाँ पर दिखाई दिए पड़ते हैं अपने पुत्र के साथ। तब पार्वती सहित उन शिव को आया हुआ जानकर वे कुमार विरक्त होकर वहाँ से अन्यत्र जाने को उद्यत हो गए। वे वहीं से 3 योजन दूर हटकर निवास करने लगे थे। पुत्र के स्नेह से आतुर माता पार्वती और भगवान शंकर अपने कुमार के दर्शन के लिए पर्वत पर वहाँ जाते रहते हैं। अमावस्या के दिन वहाँ शिव जी स्वयं जाते हैं और माता पार्वती हर पूर्णिमा के दिन वहाँ पर निश्चित रूप से उनके स्थान पर चली जाती है। तो मित्रों, ऐसी यह कथा आप सुनकर बुद्धिमान मनुष्य और समस्त पापों से छूट सकते हो। यह कथा बार बार सुनिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा और ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए अपने YouTube चैनल धर्मश्री विज्ञान को सब्सक्राइब कर ले और Facebook पर देखने वालों लाइक कीजिए हमारे Facebook पेज को। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।